हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 6 सितंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो करंट अफेयर्स हैं इसमें से प्रीलिम्स में या फिर मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज अगर हमें मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो उसमें इस कंटेंट का या इस डाटा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 6 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। पहली जो खबर है ये मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से बहुत काम की है। GS3 का जो हमारा पेपर होता है जिसमें इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें खास तौर पे ये जो डाटा हम लोग इस न्यूज में शेयर करने वाले हैं उसमें ये सारा का सारा डाटा बहुत हमारे काम आ सकता है। आपके जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में इकोनॉमी के सेक्शन के आने वाले क्वेश्चन में इस डाटा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। खासतौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात की जाए या इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जो अब रोल अदा कर रहा है फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नेंस या फिर फाइनेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के रिस्पेक्ट में, उसमें इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें देखना शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर व्हाइल एड्रेसिंग ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 GFF इन मुंबई सेड द फॉलोइंग थिंग्स। फॉलोइंग आर द मेजर थ्रेट्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, क्रिप्टोकरेंसीज, ड्रग माफियाज, टैक्स हेवंस, साइबर इंट्रूजन, राउंड ट्रिपिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टैक्स इवेजन। मतलब ये कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के नाम से कोई फेस्टिवल हो रहा होगा जिसमें फिनटेक कंपनीज के रिस्पेक्ट में कुछ आपको फिनटेक कंपनीज के रिस्पेक्ट में एक भाषण देने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया गया होगा और उन्होंने वहां पर भाषण देते हुए ये बोला कि आज की तारीख में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, उसके लिए जो सबसे बड़े खतरे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, डिजीकॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, इस तरीके की क्रिप्टो करेंसीज। दूसरा ड्रग माफियाज हो गए, तीसरा टैक्स हेवन, चौथा साइबर इंट्रूजन, पांचवा राउंड ट्रिपिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टैक्स इवेजन। इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि भारत सरकार का जो एक रुख है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्रिप्टो में काफी लोग इंडिया से इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड एक बड़े ग्लोबल लेवल पर काफी बड़ा मार्केट निकल कर आया है, मगर सरकार का जो कहना था कि ये पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है बहुत वोलेटाइल है, आज पता चला कि 100% तक बढ़ गई, कल पता चला कि 70% गिर गई, तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर आपने इसमें पैसा लगाया तो पल भर में आप बहुत ज्यादा कमा भी जाओगे, पल भर में आप जो है एकदम ही खत्म हो जाओगे। इस तरीके की वल्नरेबिलिटी, इस तरीके की वोलेटिलिटी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल करने या फिर क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरीके के लेन देन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है इंडिया में बना रखे हैं। और ये यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस बात का हाईलाइट किया जाना कि भाई ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भारत क्रिप्टो करेंसीज को अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं कि बड़ा खतरा या थ्रेट मानता है, एक इंडिकेशन है कि निकट भविष्य में आने वाले वक्त में भारत सरकार का इंडिया में लेकर क्रिप्टो क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर कोई रुख में बहुत ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। कोशिश यही की जाएगी कि क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को, क्रिप्टो में पूरा खेलने वालों को जितना हो सके उतना ज्यादा इस काम से दूर रहने के लिए डीमोटिवेट किया जा सके। दूसरा ड्रग माफियाज तो खैर प्रॉब्लम है ही, ड्रग कार्टेल जो है, ड्रग का जो पैसा है इसके चलते ऑब्वियसली बात है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा होगा। और अगर ग्लोबल लेवल पर इस तरीके के ड्रग माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सब फिर ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा आता है और फिर इस पैसे की मदद से नार्को टेररिज्म करवाया जाता है, हथियार खरीदे जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट और 10 तरीके की चीजें। नार्को टेररिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज बना हुआ है और उसकी जड़ में ड्रग माफिया है। इसी तरीके से टैक्स हेवंस हो गए, जहां पे बिल्कुल टैक्स वगैरह आपको देना नहीं पड़ता, तो लोग बाग ऐसी जगहों पर जहां इकोनॉमी में आपने इन्वेस्टमेंट करके खूब पैसा कमा लिया है, अब वहां पर टैक्स बचाने के लिए वो सारा का सारा पैसा आप लेके चले गए किसी टैक्स हेवन में और आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे अपना सारा पैसा जो है लगा के रखा है, अब इस इकोनॉमी में जिससे आपने उसको जनरेट किया था आपने निकाल लिया, इसके चलते वो पैसा उस इकोनॉमी से निकल गया तो और ज्यादा उस इकोनॉमी को फर्दर डेवलप करने में मदद नहीं करेगा, जॉब क्रिएशन में मदद नहीं करेगा, इस तरीके की दिक्कतें जो है। प्लस ये आदमी जो है टैक्स बचाने के लिए कहीं ना कहीं देश को एक बहुत बड़ा नुकसान इस तरीके से कर रहा है। साइबर इंट्रूजन, जो साइबर अटैक्स होते रहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में डिजिटाइजेशन से आप बच नहीं सकते, डिजिटलाइजेशन जो है आज की एक हकीकत है और इसके बिना काम चल नहीं सकता, पहली बात। और यहां पर फिर अब दिक्कत आ जाती है जिस तरीके के साइबर अटैक्स वेबसाइट्स पर होते हैं या चीजें हैक कर ली जाती हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है एम्स की जो वेबसाइट हैक हुई थी और उसमें जितने भी आपका डाटा था
उसको देने के बदले में हैकर्स ने काफी बड़ी फिरौती मांगी थी, वो सारी चीजें हो गई थी। तो ये एक इंडिकेशन है इस बात का कि हमें बहुत रॉबस्ट किस्म का जो है साइबर डिफेंस सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके के इंट्रूजन या अटैक्स होते हैं और हम वल्नरेबल हैं, फाइनेंशियल सिस्टम की अगर वेबसाइट हैक हो जाती हैं या सर्वर्स पे से डाटा उड़ा दिया जाता है, तो फिर ये एक तरीके की आप कह सकते हैं फाइनेंशियल तबाही है, और अगर ये आ गई तो बहुत नुकसान है। इसी तरीके से राउंड ट्रिपिंग ऑफ रिसोर्सेज है। राउंड ट्रिपिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अगर इंडिया में मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और उसको फिर मैं हवाला की मदद से लेट से किसी दूसरे देश में, लेट से मान लेता हूं किसी दूसरे देश में, मैं मॉरिशियस में लेकर चला गया, मॉरिशियस से ये पैसा फिर मैंने इन्वेस्ट करवा दिया सिंगापुर में, और सिंगापुर से ये पैसा फिर से मैं इंडिया में अपनी कंपनियों में वापस लगवा देता हूँ। इस तरीके से ये जो पैसा लेकर आया जाता है, ये जो कई सारे हैंड्स बदलते हुए इस पैसे को वापस अपने देश में आप लेकर आ रहे हो, इसे राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। इससे भी टैक्स का और रेवेन्यू का बहुत ज्यादा नुकसान सरकारों को होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अलावा जो छोटे मोटे तरीके अपनाए जाते हैं, जो टुच्चे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे टैक्स बचाया जाता है या टैक्स इवेजन किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें। तो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह है हमारी आज, या फिर यूं बोलूं कि भारत सरकार का जो ओपिनियन है वो यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए आज की तारीख में ये जो पांच सात फैक्टर्स हैं ये मुंह फाड़े खड़े हुए हैं, और इनको जो है कंट्रोल करना जरूरी है, इनका जो है खात्मा करना या इनका रेगुलेशन जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ढंग से काम करता रहे, उसमें किसी तरीके की दिक्कतें ना आए। आगे फिर अब ये कह, अच्छा यहां से आपने इतनी बात कर ली, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है मेंस में कि भाई ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम या फिर फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड आपके मेन मेन क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, तो आप इनमें से कुछ इन पॉइंट्स वगैरह को जो है लिख सकते हैं और इनको हाईलाइट कर सकते हैं। सरकार का एक स्टैंड इस तरह से कह सकते हैं कट्टर स्टैंड बन गया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को लेके किसी भी तरीके की ढील देने को तैयार नहीं है, और यहां पे ये पॉइंट भी जो है सबसे पहले लिखा गया था, तो इसको आप इंश्योर कर सकते हैं। राउंड ट्रिपिंग का जिक्र आप इसमें कर सकते हैं, टैक्स इवेजन का जिक्र कर सकते हैं, बाकी भी फैक्टर्स का जिक्र कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर आता है जहां ये पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी या फलानी जगह की इकोनॉमी को क्या चैलेंजेस हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, और इसमें से आप किसी भी पॉइंट को उठाकर कोट कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। Understanding these global challenges will help in building a resilient financial ecosystem. वही बात फिर financial minister ने आगे कही है कि अब ये जो सारे के सारे challenges हैं, इन सबको समझ के कि कैसे counter करना है, अगर हमने proper एक स्ट्रेटेजी बनाई और एक प्रॉपर वर्क फ्रेम बना के या फ्रेमवर्क बना के हमने काम किया, तो एक रिजिलियंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनकर तैयार होगा, एक मजबूत एक सशक्त फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनकर तैयार होगा, और उससे फिर सबका भला होना है, सबका उसमें लाभ होना है। मिनिस्टर अर्जेस फिनटेक इंडस्ट्री टू गार्ड अगेंस्ट दीज चैलेंजेस एंड इन्वेस्ट हैविली इन रॉबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आगे फिर यह कहती है कि जो आपकी फिनटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी या फिनटेक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो फाइनेंस के सेक्टर में डील करती हैं मगर आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पेटीएम हो गई या फिर आपका पेटीएम के अलावा जो दूसरे इस तरीके के आपकी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, फोन पे वगैरह हो गया, ये सब फिनटेक कंपनीज की कैटेगरी में आती हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि फिनटेक से रिलेटेड ग्लोबल इवेंट में बोल रही थी, तो उन्होंने इसी में कहा है कि भाई फिनटेक इंडस्ट्री वालों की जिम्मेदारी बनती है ये रिजिलियंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार करना। इसलिए मेरा उनसे आग्रह यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बाकी टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि सिक्योरिटी वगैरह जो है वो ज्यादा इनहेंस हो सके, रॉबस्ट सिक्योरिटी के मेजर्स निकल कर आ सके। इसके लिए अपना जो इंक्रिप्शन होता है, जो कोडिंग होती है जिसकी मदद से आप फायरवॉल्स वगैरह तैयार कराते हो, उसमें ज्यादा रिसर्च वगैरह करा के ज्यादा बेहतर किस्म के सिस्टम निकाल कर लाओ, जिनको भेदा ना जा सके, हैक ना किया जा सके, जिससे आपके डाटा जो है, आपके जो यूजर्स हैं उनका डाटा भी प्रोटेक्ट हो सके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, रिकॉर्ड भी उसका रखा जा सके और किसी तरीके का फ्रॉड ना हो। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हमारा देश या अभी लोग नोटबंदी के बाद से जो पूरा का पूरा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पर तैयार हुआ है, जो कैशलेस ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ होने लगे हैं, इसके जो मेन मेन चैलेंजेस हैं क्या हैं? तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मेन चैलेंज सिक्योरिटी का है और फिनटेक इंडस्ट्री के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसमें कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो रॉबस्ट रहे, इनहेंस रहे, ताकि आपके जो भी यूजर्स हैं उनका डाटा भी प्रोटेक्ट हो, प्राइवेसी पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, एंड दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजेक्शंस का डाटा प्रोटेक्ट हो सके, ट्रांजेक्शंस प्रोटेक्ट हो सके, उसमें किसी भी तरीके का कोई सेंधमारी ना हो सके। आगे ये बोलती हैं, अ सिक्योर्ड सिस्टम इज व्हाट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड देयरफॉर इज अ मस्ट फॉर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इंडिया कैन लीड इन मेकिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रिजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तो आगे इनका कहना यह है कि अब जितना ज्यादा इफेक्टिव और सिक्योर्ड आपका फाइनेंशियल सिस्टम बनेगा, जितना ज्यादा आपको ये एश्योरेंस रहेगा कि भाई मेरा पैसा सेफ है, ये जो फिनटेक इंडस्ट्री के जो अलग अलग एप्स मैं इस्तेमाल करता हूं, जो अलग अलग कंपनियों
में मैंने पैसा लगा रखा है, इन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और इनको भेजा नहीं जा सकता। जैसे पुराने जमाने में या फिर अभी कुछ सालों पहले तक ये होता था कि बैंक में आपने सारा पैसा रख दिया, अब बैंक में आपका सारा का सारा पैसा सेव है, वो एकदम वॉल्ट में रखा है, आप चैन से सो रहे हो घर पे कि यार वॉल्ट इतनी मजबूत है कि बम लगा के भी कोई कोशिश कर ले उड़ाने की तो तब भी वो टूटेगी नहीं, मेरा पैसा सेफ है। उसी तरीके की सेफ्टी के एश्योरेंस आपको चाहिए हैं, तो फिनटेक इंडस्ट्री अगर इस तरीके का सिस्टम डेवलप करती है जिससे जो सिक्योर्ड है, जिसको लेके आपको उतना ही एश्योरेंस है कि भैया मेरे बैंक की जो वॉल्ट है उसे ज्यादा कोई बम लगा के उड़ाने की कोशिश करेगा तो वो उसको खोल नहीं सकता, एग्जैक्टली उसी उतना ही जो है आपका डिजिटल प्रोटेक्शन यहाँ पे मिला हुआ है। जब आपको इतना एश्योरेंस आएगा, इससे विश्वास बढ़ता है और इससे फाइनेंशियल आपका जो इकोसिस्टम है ये और ज्यादा जो है फैलेगा, और ज्यादा लोग जो हैं इसमें जुड़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग जो एक प्रॉपर कैशलेस इकोनॉमी और एक प्रॉपर आप कह सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जाएंगे जहां पे सब कुछ डिजिटल लेवल पर हो सकेगा, हम लोग उस तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। एंड फिर अब यहां से इंडिया जो है वो रोल में आता है, क्योंकि हम लोगों ने नोटबंदी करी और उसके बाद पूरा एक सिस्टम डेवलप किया कैशलेस इकोनॉमी का, यूपीआई की पूरी व्यवस्था हम लोग लेकर आए, डिजिटल ट्रांजेक्शन का पूरा सिस्टम तैयार किया और ऐसी इफेक्टिव व्यवस्था करी है कि एक ठेले वाला भी जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन हमारे आज की तारीख में सिक्योर कर लेता, हमारे पास है टेक्नोलॉजी। तो आगे इसी बात को लेकर इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है इस तरीके के फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो इंक्लूसिव हो, मजबूत हो, सस्टेनेबल हो, उनको बनाने की क्षमता रखता है, बना चुका है अपने देश में और दुनिया भर में बनाकर दे सकता है, लीड कर सकता है। अब अगर अपना क्वेश्चन उठता है कि या फाइनेंशियल इकोसिस्टम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अपन इस बात को भी कोट कर सकते हैं, इसे भी चेप सकते हैं कि हम लोग इसमें लीड कर सकते हैं ऐसा सिस्टम बनाने में। तीनों शब्दों का इस्तेमाल करिएगा जो इंक्लूसिव हो, रिजिलियंट हो, सस्टेनेबल हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो, जिसको भेदा ना जा सके और सस्ता पड़ता हो। ऐसा भी नहीं कि अब आपने जो है बहुत ये सिक्योरिटी पे इतना खर्चा कर दिया कि सामान्य आदमी उसे ले ही नहीं पा रहा है, सस्टेनेबल भी होना जरूरी है और लंबे वक्त तक चल सके। टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ में ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने उसको बनाया है 2 महीने या 5 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए, लंबे वक्त तक चल सके ये व्यवस्था भी जो है हमको करानी है। तो ये सारी बातें भी आप जो है अपने उसमें लिख सकते हैं। आगे ये कहती हैं, वी हैव टूल्स फॉर इट बट वी हैव टू मेक इट रिस्पॉन्सिबल, दैट इज वाई वी नीड ग्लोबल कॉपरेशन। की वही बात कि हमारे पास में सारी चीजों को करने के, इस तरीके के सिस्टम बनाने के टूल है, बट उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, उसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जितने भी लोगों के जो भी देश इसमें जुड़ेंगे उनके सारे लॉज वगैरह के अनुसार जो है कंपाइलेशन मिल सके, उन सारे लॉज के अनुसार जो है वो फिट एंड फाइन हो। इसके लिए अब हमको ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है और ग्लोबल कोऑपरेशन अगर हमको मिलेगा तो हम दुनिया के लिए इस तरीके का सस्टेनेबल वायबल किस्म का एक आपका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर खड़ा कर देंगे। ऑल्सो इंडियाज प्रायोरिटी इज टू हैव एन इनहांस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अरेंजमेंट कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंसेस टू द कंट्री। आगे ये कहती है कि इंडिया अब ये जो सारा सिस्टम बनाना चाहता है इसकी एक वजह यह भी है कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम चाहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो आपके पेमेंट्स होते हैं, यानी कि यहां से बैठकर अगर मैं अमेरिका में किसी को पेमेंट करना चाहूं या फिर अमेरिका में कोई व्यक्ति यहां पर मुझे कोई पैसा भेजना चाहे, ये जो क्रॉस बॉर्डर या फिर अक्रॉस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो अभी की व्यवस्था से ज्यादा चीप हो, ज्यादा बेहतर हो और ज्यादा फास्ट हो। वजह यह है कि हमारे देश के बहुत से लोग बाहर रहते हैं और वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है रेमिटेंसेज या पैसा वापस भेजते हैं। इनफैक्ट अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं और अपने देशों में पैसा भेजते हैं उसकी जब आप लिस्ट बनाते हो तो पता चलता है कि इंडिया में रेमिटेंसेज सबसे ज्यादा आती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेमिटेंसेस हमारे पास में आती हैं। हमारे बाद में जो सेकंड नंबर पे चाइना है उनके और हमारे रेमिटेंसेस के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, कम से कम 10-12 बिलियन डॉलर्स का फर्क आ जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि बहुत मैसिव लेवल पर पैसा बाहर से अंदर आ रहा है और बड़े लेवल पर इसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं अभी की जो व्यवस्था है जिसमें आप वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर या किसी और सिस्टम का इस्तेमाल करते हो जिसमें फीस ज्यादा लगती है, जो उतना फास्ट नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है, उसकी जगह एक नया सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे फायदा जो है हमारा होना। तो हमारा फोकस यही है कि ये जो एनहांस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम जो है हम इसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में बड़ी मात्रा में पैसा आता है और बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है यहां पे किए जाते हैं। दैट इज व्हाई इन G20 अंडर आवर प्रेसिडेंसी वन ऑफ आवर प्रायोरिटी एरिया इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सीकिंग कोऑपरेशन। आगे ये कहती है इसी वजह से हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी है उसमें जितने भी एरियाज हमारे प्रायोरिटी के हैं जिसमें हमें काम करना, उसमें एक प्रायोरिटी ये भी है कि किसी तरीके से इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक
एक आम राय बनवा ली जाए कि भैया एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक ज्यादा सस्ता, चीप और वायबल किस्म का कैशलेस ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक तो हम लोग कंसेंसस बना लें, दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह होना शुरू हो जाए और लोग इसमें हमारे साथ में तैयार हो जाए, कॉपरेट करने लगे, कॉपरेशन जो है उनका बढ़ जाए, और इसकी मदद से फिर हम लोग इस तरीके का पूरा एक सिस्टम बनाकर तैयार करना चाहते हैं। ये सारी बातें कुछ जो है हाईलाइट करी गई हैं, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कही थी। तो ये सारा का सारा डाटा GS3 के क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आपके पास में फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड आए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से रिलेटेड आए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी से रिलेटेड आए, फिनटेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आपके ट्रांजेक्शन या कैशलेस इकोनॉमी के चैलेंजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या उससे सोल्यूशन से रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन आए, अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो इन सब में आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चले, इसी स्पीच में उन्होंने फिनटेक इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस पे भी बात करी थी, तो अब इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चले देखते हैं सर। तो पहला पॉइंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में बोला है वो ये है कि इट हैज अ प्राइम रोल इन मेकिंग स्लैश बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। यानी कि जो फिनटेक कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनीज का मतलब क्या, फाइनेंशियल कंपनीज जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं या तो लोगों तक अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर जाने में या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को किसी तरीके से बढ़ाने में, बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करने में, जो भी इस तरीके की चीजें आती हैं जिसमें आर्थिक लेन देन या आर्थिक नेचर के किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी एक्टिविटी में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए अगर कोई प्रोडक्ट या कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, वो काम करने वाली इंडस्ट्री आपकी फिनटेक इंडस्ट्री कहलाती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर जो है उनका कहना यह है कि अगर हम चाहते हैं कि भारत में एक बढ़िया वायबल और एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनकर तैयार हो, तो उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको बनाने की या उसको बिल्डअप करने की, वो आती है फिनटेक इंडस्ट्रीज की। क्योंकि आपको पता है मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मार्केट कितना डायनेमिक है, कितना तेजी से चेंज हो रहा है, तो ऐसे में फिर किस तरीके की टेक्नोलॉजीज बनाई जाए जो रिजिलियंट हो, जो बढ़िया, जो आपका चीप पड़ती हो, जो सस्टेनेबल हो, लंबे वक्त तक इस्तेमाल की जा सके, जिनमें जो वक्त के साथ में अपने आप को बदल भी सके, ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास जो है एक्सपर्टीज है, तो आपका जो है वो प्राइम रोल हो जाता है और आप जो है इसमें एक डिसाइसिव लीडरशिप रोल निभा सकते हैं। किसके लिए बात की गई है, फिनटेक इंडस्ट्री या फिर वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री कंपनीज के बारे में या वो फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जिनको हम लोग फिनटेक इंडस्ट्री में गिनते हैं उनके बारे में। दूसरा, फिनटेक इन इंडिया आर ड्राइविंग मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जस का तस कोट कर सकते हैं कि फिनटेक जो है आज की तारीख में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को ड्राइव कर रही हैं। मतलब जो भारत में एक एक आदमी तक ये जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंच गया है, इसके पीछे एक बहुत डिसाइसिव जो रोल है वो फाइनेंस फिनटेक कंपनीज का है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका पेटीएम हो गया या फिर दूसरी जो कंपनीज हो गई जो इस तरीके से स्कैन वगैरह करके जिनकी मदद से आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर जिन्होंने अपने अलग अलग एप्स बना रखे हैं, पेटीएम हो गया या फोन पे हो गया, इस तरीके के, इनके चलते आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है, रेडी लगाने वाला भी व्यक्ति फाइनेंशियल इंक्लूजन के में जुड़ा है, डायरेक्ट उसके अकाउंट तक जो है अकाउंट में पैसा जा रहा है, सरकार जो है सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर एक क्लिक से जो है जो भी आपके लाभार्थी हैं उनके खातों में अपना सब्सिडी का पैसा भेज पा रही है। तो इन सारी चीजों के चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है और उसमें फिनटेक की टेक्नोलॉजीज ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज की तारीख में भारत का फाइनेंशियल इकोसिस्टम जिस तरीके से बदल रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा रोल फिनटेक इंडस्ट्री का है, और इस बात को आप भी मानेंगे। 2016 में जब नोटबंदी की गई थी, उसके पहले मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मैं हमेशा कैश लेकर निकला करता था, 100-200 रुपए हमेशा जेब में रखने की एक हैबिट थी कि कहीं पे कुछ जरूरत पड़ जाएगी। फाइनेंशियल ये जब आपका ये नोटबंदी की गई, डिमोनिटाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर पहले तो थोड़ा डर भी लगा कि यार कहीं सारा का सारा पैसा कोई चुरा ना ले और इस तरीके की चीज ना, जो डर होता है, मगर धीरे 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 इस्तेमाल करते करते यूपीआई और कैशलेस ट्रांजेक्शन की अब यह हैबिट हो गई है कि एक अरसा बीत गया है, वॉलेट कब आप लेके निकले थे याद नहीं है, हाथ में कैश रखना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया, सारी चीजें फोन के माध्यम से हो जाती हैं। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी मिली, इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिला और इस्तेमाल करने के साथ में उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आया। भारत में लगभग हर व्यक्ति के साथ में ये चीज एटलीस्ट नोटबंदी और उसके बाद 4-6 महीनों तक तो हुई। अब मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों ने उसके बाद एकदम ही कैश का इस्तेमाल बंद कर दिया, बट इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कम से कम शहरी इलाकों में बहुत बड़े लेवल पर कैशलेस ट्रांजेक्शन जो है वो होने लगे और लोगों ने उस हैबिट को बरकरार रखा। आज भी काफी बड़े लेवल पर कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, काफी बड़े लेवल पर जो है लोग इस तरीके कैशलेस इकोनॉमी के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके पीछे इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ड्राइव करने में, लोगों की ये हैबिट बदलने में, जिस तरीके से वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते थे, इन टेक्नोलॉजीज का एक बहुत बड़ा
रोल रहा है जिन्होंने जो टेक्नोलॉजी फिनटेक लेकर आई है। तो आज की तारीख में अगर आप चाहते हैं कि एक रॉबस्ट डायनेमिक फाइनेंशियल इंक्लूजन का टूल बनकर तैयार हो, फिनटेक ही वो दे सकती है। और आज की तारीख में अगर आप बोलेंगे कि भारत में भाई रॉबस्ट डायनेमिक फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई टूल है, तो उसका जवाब है कि वो हमारी फिनटेक इंडस्ट्री है। इनफैक्ट एक कोई रिपोर्ट आई थी 2022 में बीसीजी मैट्रिक्स रिपोर्ट के नाम से, ये रिपोर्ट का नाम मैटर नहीं करता, कितना भी फैंसी नाम लिखते हैं डजंट मैटर, इसमें जो बात कही गई है वो बड़ी काम की है। इसमें यह बोला गया है कि लेंडिंग यानी कि जो कर्ज देना या फिर जो लोन देना है, यानी कि जो आपकी कोर बिजनेस होता है बैंक्स का, बैंकों का जो मेन काम है वो यह है कि भाई आपके पास में कोई आके अपना पैसा डिपॉजिट करेगा और उस पैसे को फिर आप किसी को लोन दोगे। जितना इंटरेस्ट आप डिपॉजिट करने वाले को दे रहे हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट आप जिसको लोन दे रहे हो उससे चार्ज करोगे। समझाता हूं इस चीज को। लेट्स से कि किसी आदमी ने आपके, ये बैंक है, बैंक में किसी आदमी ने आपके 100 रुपए जो है डिपॉजिट किए। अब इस 100 रुपए के डिपॉजिट पे आपको 6% का ब्याज देना है, मतलब उसको 6 रुपए लौटाने हैं। अब यही 100 रुपए आपने किसी को अगर लोन में दे दिए और ये लोन आपने जो है लेट से 11% पर दे दिया, तो 100 रुपए जो आपने लोन में दिए उससे आप 11 रुपए कमाओगे, 6 रुपए जिसने डिपॉजिट किए थे उसको वापस कर दोगे और बाकी जो पैसे बचेंगे वो आपके हो जाएंगे, वो बैंक की इनकम हो जाएगी। तो पॉइंट यह है कहने का कि जो लेंडिंग है वो बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। बाकी सारी चीजें बाद में आती कि बैंक आपका बीमा भी कर देता है, बैंक में स्पेशल आपकी कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ स्पेशल अकाउंट होते हैं जिससे कि आप जो है दूसरे भी फंक्शंस कर सकते हैं, बैंक में लॉकर भी होते हैं, 10 चीजें होती हैं, वो सब बात की बात है। जो मेन जो आपका काम है, जो कोर आपकी एक्टिविटी है बैंक की, वो होती है लेंडिंग। बाकी ये इसको ऐसे मान लीजिए कि जो लेंडिंग है या फिर जो लोन देना है वो बैंक के लिए दोपहर का खाना है या रात का खाना है जिसमें आपने दाल चावल सब्जी रोटी खानी है, बाकी वो लॉकर खुलवा रहा है, वो आपको फलानी सुविधा दे रहा है, ठिकानी सुविधा दे रहा है, वो दिन भर में खाया जाने वाला फास्ट फूड है जिससे आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जो एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलेगा वो खाने से ही मिलता है, जो दाल चावल सब्जी रोटी की आपकी मेन थाली होती है लंच में या डिनर में। एंड इसी तरीके से बैंकिंग की जो सेहत है वो लेंडिंग या फिर लोन पे चलती है, बाकी सारी चीजें सप्लीमेंट्री हैं वो फास्ट फूड की तरह। इनका कहना यह है कि लेंडिंग जो है, जो बैंकों का कोर बिजनेस है, उसमें भी फिनटेक जो है 36% शेयर रखता है न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स का अगेंस्ट 22% ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार बैंक्स। मतलब यह कि वो लोग जो पहली बार आपका कस्टमर बनते हैं लोन लेने के लिए, वो लोग जो पहली बार लोन ले रहे हैं, इस तरीके के कस्टमर्स में भी 36% लोग जो है वो फिनटेक के थ्रू लोन ले रहे हैं। और बैंक जो आपका ट्रेडिशनल बैंक है, SBI हो गया, SBI हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, दूसरे इस तरीके के बैंक हो गए, वहां पे 22% के करीब लोग जो है अपना पहला लोन लेने के लिए जा रहे हैं। तो इससे यह भी समझ में आता है कि ब्रिक एंड मोर्टार बैंक्स यानी कि जहां बैंक का ऑफिस खुला है, आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी और उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद में आपको लोन मिलेगा, उसके वहां पे सिर्फ 100 में से 22 लोग जा रहे हैं लोन लेने के लिए, 100 में से 36 लोग जो है लोन लेने के लिए फिनटेक के पास में जा रहे हैं, जो इस तरीके का शायद ब्रिक एंड मोर्टार का सिस्टम चलाता भी नहीं है, ऑनलाइन ही सारा काम करता है। तो इससे यह समझ में आता है कि फाइनेंशियल पेनिट्रेशन में कितना बड़ा रोल जो है आपका फिनटेक निभा रहा है कि भाई आपका जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, आदमी जहां से लोन लेने को जाता है उस तक को पछाड़ दिया है पहली बार लोन लेने आने वाले कस्टमर्स की कैटेगरी में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि ब्रिक एंड मोर्टार के जो ट्रेडिशनल बैंक्स चलते हैं न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स में, वो भी पीछे हो गए हैं फिनटेक से। 36% शेयर जो है फिनटेक का चल रहा है इस तरीके के लोगों में, 100 में से 36 मतलब लोग इनके पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, और 22% शेयर चल रहा है ब्रिक एंड मोर्टार वाले ट्रेडिशनल बैंक्स का, यानी कि 100 में से 22 लोग पहली बार लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो बताती है कि फिनटेक जो है एक तरीके से राइज कर रहा है, फिनटेक जो है बहुत तेजी से आगे की तरफ में बढ़ रहा है। Thus, fintechs are reaching out far more even in lending, a core area of conventional bank. तो conventional banks का जो core area है lending का, loan वगैरह देने का, इस डाटा से अपने को समझ में आता है 36% वर्सेस 22% के डाटा से समझ में आता है कि यहां पर भी फिनटेक जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम लेंडर्स के केस में इनको लीड कर रहा है कन्वेंशनल बैंक्स को। और ये एक इंडिकेशन है कि आने वाला वक्त जो है, फ्यूचर जो है, दैट बिलोंग्स टू फिनटेक, एंड बैंक्स को भी जो है फिनटेक्स की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको अडॉप्ट करते हुए अपने आप अपने पूरे अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी इफ दे वॉन्ट टू मेंटेन देयर लीड इन द बिजनेस और इफ दे वॉन्ट टू बी वायबल इन द अपकमिंग फ्यूचर। क्योंकि हर चीज का एक शुरुआत होती है, एक अंत होती है। बैंकिंग सेक्टर भी अगर अपने आप को वक्त के साथ में नहीं बदला तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि कोलैप्स कर जाएगा, मगर हां हो सकता है बैंक्स वक्त के साथ में बहुत बड़े लेवल पर इररिलेवेंट हो जाएं। 10 साल में 20 साल में नहीं होगा, बट एक लंबी दौड़ में ये हो सकता है। एग्जैक्टली उसी तरह से जब मोबाइल फोन जब एकदम शुरुआत में आए थे अर्ली 2000 में, तब किसी ने नहीं सोचा था कि जो आपकी कोडैक कंपनी है वो दिवालिया हो जाएगी या घड़ियों की सेल इतनी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि किसी के दिमाग में नहीं था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग जो है मोबाइल में कैमरा लगा देंगे
और कंपनीज जो है मोबाइल में कैमरा लगा देंगी और उससे लोग सेल्फियां खींचेंगे, 10 तरीके की चीजें होंगी। तो वो जो पूरे स्टूडियो चला करते थे जहां पे आप जाके फोटो खिंचवाते थे, फिर फोटो धुलती थी, फिर मिलती थी, वो सबका जो है धड़ल्ले से बंद हो गई। काफी बड़े लेवल पर जो है उस तरीके का पूरा बिजनेस बंद हो गया और कोडैक कंपनी जो है पूरी की पूरी दिवालिया हो गई। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से बैंक बंद हो जाने हैं, इस तरीके की चीजें, बट अगर फिनटेक को उन्होंने एक सीरियस कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं लिया, अपनी हरकतें नहीं सुधारी, अपने आप को और ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बनाया, अपने आप को और ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बनाया, इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं किया जिनकी मदद से फिनटेक इनके कस्टमर छीन के 36% जो है शेयर लेकर जा रहा है और ये 22% पर है, यानी कि लगभग 14% की लीड ले रहा है, इस तरीके की चीजों को काउंटर करने के लिए काम नहीं किया गया, तो बैंक्स पुराने जमाने की बात 50 सालों में 60 सालों में हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब फिनटेक के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारे डाटा को कोट कर एक अच्छा जवाब यहां से बना सकते हैं। चलें तो आगे बढ़ते हैं, ये जो न्यूज है यहीं पर समाप्त होती है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे, जिसमें हम लोग 7 सितंबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो दूसरे साथी हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनको भी इसके बारे में बताएं, उनसे भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।